नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। भूगोल की तरह जो है यूपीपीसीएस एलटी का इतिहास का भी प्रश्न पत्र जो है मेरे पास पड़ा हुआ था और आयोग का प्रश्न पत्र है, इसलिए अभ्यास तो अवश्य करना चाहिए आपके द्वारा। आप सभी बीएड के छात्र हैं और खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना रहेगी। इतिहास में प्राचीन भारत के संदर्भ में आपको सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से प्रश्न जो है हर बार पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न, वो ध्यान रखना है। इसके अलावा स्वतंत्रता भारत का आंदोलन पूरा जो है कवर करना है, ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रीवियस पेपर की, अंतिम बार यूपीपीसीएस एलटी की जो परीक्षा हुई थी उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हिस्ट्री सेक्शंस में, हम उसको देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, व्याख्या के लिए आप वीडियो को रोक सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जरा, प्रागैतिहासिक अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। ये जो 92 क्वेश्चन है ये 4 बार पूछा गया यूपीपीसीएस में, ठीक है। ध्यान से देखिए प्रश्न को, हड्डी की मात्र देवी मूर्ति प्राप्त हुई है कहां से? विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति, ध्यान रखिएगा, मैंने क्वेश्चंस को देख लिया है कौन से क्वेश्चंस रिपीट है, तो ये क्वेश्चन जो है 4 बार रिपीट हुआ है, 2 बार समीक्षा अधिकारी में, 1 बार यूपीपीसीएस प्री में और 1 बार मेंस में। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है धोलावीरा पे, ठीक है। तो धोलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? जमाव सही जवाब है ऑप्शन सी। फिलहाल धोलावीरा पे प्रश्न जो है और भी तरीके से पूछा है, सबसे उन्नत जल निकासी कहाँ की है? धोलावीरा की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जमाव किस संस्कृति से संबंधित है प्रथम चरण का? जवाब है धोलावीरा के प्रथम चरण का जमाव विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर उन्नत नगर की योजना समानांतर चतुर्भुज के रूप में तथा जल निकासी का उन्नत स्वरूप दिखाई पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस पूरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं? लोथल, ठीक है, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता पे कुल 330 प्रश्न जो है टोटल इकट्ठे हैं मेरे पास, जो कि यूपीपीसीएस में घुमा फिरा करके पूछे हैं, तो मैं आपको नोट्स के रूप में उसको तैयार करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम प्रश्न पत्र देख रहे हैं किस तरीके के प्रश्न जो हैं यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, तो प्रश्नों को ध्यान से देखिए। लोथल जो कि डॉकयार्ड बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे, यह भी आपको याद रखना है। किसने खोज की? रंगनाथ राव ने। तो 3 तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अग्निवेदिका का साक्ष्य कहाँ से मिला है? 7 अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिला है? कलश में सावधान रखने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये सभी लोथल से, ठीक है। एक विस्तार से करंट इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपका जो है तैयार कराऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता में, तो बिल्कुल चिंता ना करें, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न में ही 3 तरह के प्रश्न पूछ सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का डॉकयार्ड है बंदरगाह है वो किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी पे, ठीक है, गुजरात में। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं जिसमें धान की खेती होने के प्रमाण मिलता है, ठीक है। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहदहा से। मेहदहा सराय नाहर राय, दमदमा, चौपानी मांडो, इनके जो है फैक्ट्स हैं जो कि हर दूसरे तीसरे साल पूछ लेता है, ठीक है। तो मेहदहा उत्तर प्रदेश, चूंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है यूपीपीसीएस में भी पूछा गया, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन कुछ और था, बूचड़ खाना नहीं था, कुछ और क्वेश्चन पूछा गया था जिसका जवाब मेहदहा था, ठीक है। तो ये मध्य पाषाण काल का प्राचीनतम स्थल है और यह गोखुर झील के किनारे बसा हुआ है, हाँ। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वहाँ पे वो गोखुर झील को लेकर के पूछा गया था, मैंने व्याख्या भी पढ़ ली है, मुझे याद आ गया है गोखुर झील को लेकर के प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे बूचड़ खाना पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी? जैसे कि दक्षिण में दायमाबाद है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है। तो 4 इसकी सीमाएं हैं, और जम्मू कश्मीर में मांडा, ठीक है, यहाँ पे व्याख्या भी दे रखी है, पढ़ लेते हैं एक बार। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में,
ठीक है, पश्चिमी सीमा सुतकांगडोर बलूचिस्तान जम्मू कश्मीर में जो है मांडा, मैंने बता दिया है। दक्षिणी सीमा गोदावरी, दायमाबाद भी जिसको कहा जाता है महाराष्ट्र। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? तृतीय। तो वैदिक काल से यह प्रश्न पूछा गया है आपसे, ठीक है, व्याख्या जरूर पढ़ें। सबसे ज्यादा जो है इंद्रदेव और अग्निदेव को समर्पित है, ठीक है, इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। नारायण के साथ विष्णु का तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? तैत्तिरीय अरण्यक से। यह भी वैदिक काल से प्रश्न पूछा गया है। इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? विश्वकर्मा, ठीक है, जबकि सूर्य के अन्य पर्यायवाची हैं ये, जो कि वैदिक काल के संदर्भ में प्रश्न में बताया गया है। कनिष्क का प्रश्न पूछा गया है, कुषाण सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे, गांधार कला, मथुरा कला जो है इन्हीं के शासनकाल में फेमस हुई। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो वो महायान, ठीक है, दो थे, एक हीनयान और एक महायान, ठीक है। चलिए, प्रथम जैन समिति किसने आहूत की? स्थूल भद्र ने। स्थूल भद्र ने। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया और वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया? सारनाथ, ठीक है, ऑप्शन सारनाथ भी देता है, ऋषि पतन भी देता है, तो ऋषि पतन सही है। पांच ब्राह्मणों सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो कि इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जिन शब्दावली किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। यह भी जाना। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। मेगास्थनीज के लेखन में उल्लेखित एग्रोनोमाई, सबसे पहले तो मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? इंडिका पुस्तक, ठीक है, व्याख्या में बताया हुआ है। हाँ जी, हाँ बताया हुआ है। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ का था? यूनान का। किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त के दरबार में था। और दासों के बारे में जो सर्वप्रथम किसकी पुस्तक में पता चलता है? मेगास्थनीज के, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, नगर के अधिकारी एग्रोनोमाई। सीरिया का राजदूत डायमकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस की जब आप तैयारी करते हैं तो रिपीट क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछा गया है, तो बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार। गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय से। राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? तो राजराज राजेंद्र प्रथम। चोल राज के संदर्भ में जो प्रश्न अक्सर पूछ लेता है, लेकिन माता का नाम जो है पहली बार आई थिंक पूछा गया है यहाँ पे, तो माता का नाम था उनका वान वन महादेवी। किसने बंगाल की पूरी खाड़ी को झील में परिवर्तित कर दिया था? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसने किया था? राजेंद्र ने। किसने श्रीलंका को, पूरे श्रीलंका को अपने अधीन कर लिया था? राजेंद्र ने, ठीक है। चलिए, ये पूछ भी लिया है अगला क्वेश्चन, इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगईकोंड चोलपुरम थी? तो गंगईकोंड यानी कि गंगा को, उत्तरी भारत के गंगा को दक्षिण से मिलाने का विशाल मनोरथ जो है इन्होंने लगाया था और अपनी उपाधि रखी थी राजेंद्र प्रथम ने, जिन्होंने बंगाल का खाड़ी को जो है पूरा झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था, ठीक है। द्वितीय राज तरंगणी के रचनाकार कौन थे? तो जॉन राज। और प्रथम राजतरंगणी सिंपल पूछा जाएगा कि राजतरंगणी के रचनाकार कौन थे? कल्हण। राजतरंगणी किसके इतिहास से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। राजतरंगणी में कुल कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास के संदर्भ में यूपीपीसीएस में, जो मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो है सल्तनत काल से पूर्व स्टार्टिंग में जो मुस्लिम आक्रमण हुए उनका क्रम लगाने को था, तो देख लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम 695 से 715, महमूद गजनवी, उसके बाद है चंगेज खां और फिर है तैमूर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे, गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन ओलिया के समकालीन थे, दोनों ही सही हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने 7 शासकों का
जो है शासन देखा था, कमेंट करके बताइएगा। कुव्वत उल इस्लाम, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है सुमेल करने को संदर्भ में, और मैंने बताया भी हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में है ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 1192 में शुरू कराया था। कुतुब मीनार से भी जुड़े हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार से कौन से तीन शासक जुड़े हुए हैं, कमेंट करके जरा बताइएगा आंसर। इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इल्तुतमिश ने अपना प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया। दोनों ही सही हैं। सल्तनत काल को आप स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन प्राचीन भारत और इंडियन स्ट्रगल से आएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी यादव का शासक कौन था? रामचंद्र। ये सारे पूछे हुए प्रश्न हैं। उसके बाद है ये देखिए, कौन सही नहीं है, कन्नौज का युद्ध जो है कब हुआ था? 1540 में हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य हुआ था और हुमायूं इसमें पराजित हुआ था। बाकी तीनों सही हैं। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है जारी की थी, बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पता होने चाहिए सिंपल कैंडिडेट को भी। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप व्याख्या देख सकते हैं, सी इज द राइट आंसर। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, और कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से जो है अकबर को सलीम पैदा हुए थे। अगला है आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल। ये क्वेश्चन तो आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। इनका निर्माण तिथि के संदर्भ में तो इसका बी होगा, पहले तो बी ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले 3, फिर 1, फिर 2 और फिर 4, और यहाँ आप व्याख्या देख सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया 1192 में। अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया 1558 में, ठीक है। उसके बाद जो है लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, शाहजहाँ ने ही आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था। किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? अकबर। इनमें से अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण से संबंधित थे, मोहम्मद बिन तुगलक जो है सांकेतिक मुद्रा, और सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है, और अपनी योजनाओं में सबसे ज़्यादा फेलियर भी यही थे, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के नाम है, ठीक है। चलिए, और शेरशाह काफ़ी अच्छा प्रशासनिक शासक कहा जाता है, बिहार के थे ये। और चलिए, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण किसको दिया था? वल्लभाचार्य को, ठीक है। और ये जो है अष्ट दिग्गज से जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा जाता है। तो अष्ट दिग्गज किसके समय थे? कृष्णदेव राय के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देवराय द्वितीय, अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता, ये भी सही है, मोहम्मद गजनवी अलबरूनी, ये भी सही है, बलबन मार्कोपोलो, ये गलत है। मार्कोपोलो एक इतालवी व्यापारी और खोजकर्ता थे, और इनकी यात्रा जो है 1272 में आरंभ हुई, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसके समय में कौन आया। श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से। अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर था? 1/4। मुगल साम्राज्य में मीरे तुजुक से तात्पर्य क्या था? तो मीरे तुजुक या मीरे तोजक धर्म अनुष्ठान कराने वाला अधिकारी था। निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। तो सबसे ऑप्शन पहले देख लीजिए, डी है चौसा का युद्ध, फिर आएगा आपका खुसरो का विद्रोह, जहांगीर का पुत्र जो था, फिर आएगा आपका खुर्रम का विद्रोह, और फिर धर्मत का युद्ध। व्याख्या देख सकते हैं, खुर्रम का विद्रोह खुर्रम उर्फ शाहजहां ने किया था 1623 में, राजगद्दी के लिए अपने पिता जहांगीर से विद्रोह किया था।
परंतु जहांगीर के द्वारा उसके विद्रोह को दबा दिया गया। उसके बाद फिर चौसा का युद्ध 1539, ठीक है, और किसके बीच हुआ था, शेर खां और हुमायूं के बीच। शेर खां विजयी हुआ और शेरशाह की उपाधि धारण की चौसा के युद्ध के बाद ही। फिर है धर्मत का युद्ध, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? ऑप्शन सी, पैबाकी शब्द से तात्पर्य था भूमि। निम्न में से किस कृति को उसके फारसी अनुवाद को द्वारा रजमनामा शीर्षक दिया गया? महाभारत। किसके द्वारा? फैजी अपने समय के श्रेष्ठ कवि थे और इसका अनुवाद विभाग की स्थापना की इन्होंने। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में अनुवाद किया गया। यहाँ पे सुमेल करना है, पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेल करें। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ठीक है। कालीकट 1500, कन्नानोर 1502, धाबोल 1522, पोन्नानी 1525। निम्न में से किस स्थान को 1661 ईस्वी में पुर्तगाली द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दे दिया गया? तो बंबई, ठीक है। राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से किया गया था और इसी स्वरूप में जो है बंबई को दहेज में दिया गया 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। ब्लैक होल मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन, ब्लैक होल क्या थी, सिराजुद्दौला के समय जो है घटना घटी थी। प्लासी का युद्ध बताया हुआ है, बक्सर का युद्ध बताया हुआ है, बस देवगांव की संधि नहीं बताया था, बाकी तीन तो बताए ही हुए हैं आपको। तो यहाँ पे डी है जो सुमेल नहीं है, ठीक है। देवगांव की संधि जो है 1803 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने बताया हुआ है और ये रिपीट है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, समाज सुधार आंदोलन अभी कराना है मुझे आपको टॉपिक, वहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 26 जुलाई 1856 को, और इसके साथ कौन जुड़े हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, ठीक है। और किसके समय ये पारित हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक है। ये भी आपको तीन चीज़ें इसमें याद रखनी है, एक तो तिथि पूछ लेगा, दूसरा पूछ लेगा किसके प्रयासों के फलस्वरूप, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर। दिल्ली से बख्त खान ने जो है नेतृत्व प्रदान किया था, और अन्य क्वेश्चन भी है 1857 से संबंधित, अभी ये टॉपिक कराना बाकी है, ठीक है। कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, रंगून इनको कर दिया गया था। चलिए समर्पण किसके सामने किया था, लेफ्टिनेंट W.S.R. हडसन के सामने। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कानपुर से किसने मोर्चा संभाला ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, दिल्ली से किसने, तो इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो पता होना चाहिए। बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक कौन थे, सबको पता है, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, ठीक है। चलिए निम्न घटनाओं पर विचार करें और काल क्रम अनुसार लगाइए। श्रीरंगपट्टनम संधि मैंने बताया हुआ है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सूरत की संधि भी बताइए, सलवाई की संधि बताइए, और बसीन। जो श्रीरंगपट्टनम संधि है वो मैंने आपको कवर करा दिया है, सलवाई की संधि भी बता दी है, बसीन की संधि भी बताई है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1, और माफ कीजिएगा 2, 3, 1, 4। तो इसका वर्षकाल देख लेते हैं, अच्छा व्याख्या नहीं है इसमें, ये बताया हुआ है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आएगा 2 सूरत की संधि, फिर आएगा सलवाई की संधि, फिर आएगा श्रीरंगपट्टनम संधि, और फिर आएगा बसीन की संधि। क्वेश्चन कवर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना है? तो वैलेजली। और वैलेजली किससे जुड़ा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ, द्वितीय, ठीक है। यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाने के पश्चात युद्ध का संचालन का भार उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया, और इसने अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंदी बना लिया, और 1784 ईस्वी तक टीपू ने द्वितीय युद्ध को जारी रखा, परंतु दोनों पक्षों में मंगलोर की संधि हो गई, ठीक है। और चतुर्थ युद्ध में जो है टीपू सुल्तान मारा गया, और तृतीय में हुआ था आपका श्रीरंगपट्टनम संधि। डलहौजी के पहले विलय के सिद्धांत को किस राज्य पर लागू किया जा चुका था,
डलहौजी से पहले, ठीक है। तो डलहौजी के शासनकाल के इसके द्वारा प्रतिपादित व्यपगत सिद्धांत, जिसका दूसरा नाम है विलय नीति, के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय होने वाला सर्वप्रथम राज्य सतारा था 1848। इसके पश्चात जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर बागाट, फिर 1885 में जो है हिमाचल प्रदेश, फिर उदयपुर, फिर 1852 में झांसी और नागपुर 1894 इत्यादि में, ठीक है। तो यहाँ पर आयोग द्वारा जो है कोई आंसर नहीं दिया गया था, तो इसलिए यहाँ पे मिसिंग है। क्वेश्चन आपसे जो है इस पर पूछ सकता है विलय के सिद्धांत के संदर्भ में। तो जितना भी मैंने जो है बताया हुआ है इस पर एक पूरा पूरा इस पर एक वीडियो है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, धन निकासी का सिद्धांत इन्होंने दिया, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। इसके अलावा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द जो है सबसे पहले वही दिखाई पड़ा, उसी कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। व्याख्या को जरूर पढ़ें। पितामह कहा जाता है इसको, राजनीति का पितामह। इसके अलावा ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ये सांसद बने वहां पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भारत की जनगणना 1891 में, उस समय जनगणना के आयुक्त कौन थे? बेन्स। ये पहली बार पूछा गया है क्वेश्चन। अब ये देखिए, सैडलर आयोग, हंटर आयोग, स्ट्रैची आयोग, इन पर जो है प्रश्न पूछ लेता है यूपीपीसीएस, और यहाँ पे पूछा गया है सुमेल करने के संदर्भ में। चार्ल्स वुड आयोग 1854 से होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए है, मिलाते हैं। ए जो है शिक्षा पर, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, इसी के बाद से फिर शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाने लगा। बी जो है आपका सुमेल होगा 1882, सैडलर हंटर शिक्षा आयोग, ठीक है। 1904 आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, और लॉर्ड कर्जन के समय जो है ये पार अधिनियम आया था, और डी 1917 जो है ये होगा सैडलर विश्वविद्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लीजिए। लॉर्ड रिपन, ये भी नाम याद रखना है, किसके शासनकाल में कौन अधिनियम आया, सबका बता रखा है यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दक्षिणेश्वर संबंधित है किससे? रामकृष्ण परमहंस से, और इनके शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस मिशन जो है इन्हीं के नाम पर जो है शुरू किया गया, स्वामी विवेकानंद द्वारा, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े हैं? देवबंद स्कूल 4 बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में, एक बार इसका वर्ष काल पूछा था, ठीक है। तो 1867-67 दे रखा है। देवबंद स्कूल की स्थापना उत्तर प्रदेश में मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोई द्वारा जो है की गई है। 4 बार मैंने बताया, एक बार पूछा गया था वर्ष काल, किसने स्थापना की, कहाँ की, ये प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैंड स्टोन की उपाधि किसको दी गई है? दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। व्याख्या जरूर पढ़ें। इसके अलावा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? टॉलस्टॉय। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, सुमेल करना है आपको। बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और एक तरफ है पुस्तकें, ठीक है। तो गीता रहस्य जो है जेल में लिखी गई थी किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है। कहाँ पर? मांडला जेल। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा जो है इनके बारे में बहुत ही अच्छा व्याख्या दे रखा है, ये जरूर पढ़ लें एक बार। द स्प्रिंगिंग टाइगर की रचना हुटोए हैं, और यहाँ पर कौन सुमेल नहीं है ये पूछा था, तो ये सुमेल नहीं है, बाकी तीनों सही हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? ऑल इंडिया किसान सभा, महात्मा गांधी, आत्मीय समा, और राजा राम मोहन 1815 में किया था, बिल्कुल ठीक है। 1839 में सुभाष चंद्र बोस, ये भी ठीक है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए ही होगा गलत, आई थिंक, देखता हूँ। जी हाँ, ऑप्शन ए ही है गलत। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है।
और इसके अध्यक्ष महासचिव कौन बनाए थे? एनजी रंगा को, ध्यान रखिएगा। और इस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया गया था। महात्मा गांधी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने ग्राम उद्योग को संघ प्रारंभ किया था, दोनों ही सही हैं। रॉलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, और ये वो दिन था जब बाल गंगाधर तिलक का जो है निधन हो गया था। ठीक है, उन पर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन जो है असहयोग आंदोलन का जो है स्टार्ट होने वाले निधन हो गया या फिर उसका परिणाम नहीं देख सका, तो ध्यान रखना है आपको बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत कुछ दे रखा है व्याख्या के रूप में, इसको अवश्य पढ़ें। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, वित्त मंत्री कौन थे? एच सी चटर्जी। एम ए अय्यर प्रचार मंत्री थे। लक्ष्मी स्वामीनाथन स्त्रियों के विभाग संभालती थी। ठीक है, बोस ने अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून में बनाया था, जिसका जर्मनी तथा जापान ने समर्थन किया था। अंतिम प्रश्न है, वर्ष 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों और युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया? तो वो थे रेडक्लिफ। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। एक बार व्याख्या को जरूर रिवाइज कीजिएगा क्योंकि वहाँ से कई क्वेश्चंस निकलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।